हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो ये बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ बेकिंग सोडा पर, ये बेसिकली 10th 11th 12th के लिए है। बाकी कोई भी जो रिएजेंट्स में एंड कंपाउंड्स में इंटरेस्टेड हो वो देख सकता है। बहुत अमेजिंग पार्ट होने वाला है। जिन चीजों को हम जानते ही नहीं है बेकिंग सोडा के बारे में, वो सब चीजें मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको। तो व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड हम इसे क्यों अमेजिंग कंपाउंड कह रहे हैं, चलिए आज डिस्कस करते हैं उसके बारे में। बेकिंग सोडा को हम केमिकली जो है उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर हम उसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं कॉमन नेम में। एंड इसका कॉमन जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। ये घर में भी बहुत रखा रहता है, काम आता है कुकिंग वगैरह में। इसका मोलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 84.007 ग्राम पर मोल। एंड ये वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल है ये। यदि मैं इसमें विनेगर डाल दूं, बेकिंग सोडा मैंने लिया और उसमें मैं यदि विनेगर डाल दूं या लेमन डाल दूं, लेमन में भी एसिड होता है, तो लेमन डाल दें या विनेगर डाल दें, जो भी घर में आप करके देख सकते हैं इसे बड़े आराम से। लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीजों का काम करते हुए। तो विनेगर जो है वो हमेशा उसमें से क्या करता है, झाग बना देता है, CO2 निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखिए लिखा हुआ है CO2 गैस। CO2 गैस की झाग बनते हुए उफनते हुए बाहर निकलती है, जैसे हम इनो में पानी डालते हैं देन झाग बनती है, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि उसमें भी उसका एक मेन इंग्रेडिएंट यही है। तो विनेगर जब हम डालेंगे बेकिंग सोडा में तो झाग बनते हुए CO2 जो है वो दैट विल कम आउट, जिसकी वजह से इसका बहुत अमेजिंग जो रिजल्ट हमें यहाँ पर झाग बनते हुए जो एयर्स निकलती है, CO2 निकलती है, वो कुकिंग में बहुत काम आता है। कि जब भी हम कोई ऐसी फ्लफी चीज कुक करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जैसे हम केक बनाना चाहते हैं या हम कुल्फे बनाना चाहते हैं या इसी टाइप की कोई फूली हुई पिज्जा वगैरह है या फिर ढोकला है, इन ऐसी चीजें जो फ्लफी होती है, मुलायम होती है, जिसमें एयर भरी हुई होती है, स्पॉन्जी इफेक्ट देती है, जहां जहां पर स्पॉन्जी इफेक्ट मिलता है, उन चीजों को बनाने के लिए हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को यूज भी करते हैं। एंड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें से CO2 गैस निकलती है जब हम डालेंगे उसमें और पानी डालेंगे या विनेगर डालेंगे। थोड़ा सा विनेगर डालना होता है इसमें इसके साथ, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में, थोड़ा कड़वा होता है, तो इसका इफेक्ट अच्छा तब आता है जब हम विनेगर डालते हैं। तो विनेगर डालने से जैसे ही झाग बनेगी तो उस डव, वो जो डव होता है केक का या फिर किसी भी चीज का, वो उसमें से पूरी झाग जब बनते हुए बाहर आएगी तो एयर भर जाती है उनमें एंड वो फ्लफी हो जाता है। तो दिस इज अ बेसिक रीजन कि हम इसे बेकिंग सोडा को कुकिंग पर्पज से बेक करने की चीजों में, केक वगैरह में, या क्यों डालते हैं। और इसका बहुत अमेजिंग एक रिजल्ट और भी मिल दिखता है, दिखाई देता है कि यदि हम जैसे कई बार बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पार्टी में गए जी और हमने कुछ ज्यादा पसंद का हमें चीजें समझ दिखाई दे गई और हमने ज्यादा खा लिया। स्पाइसी फूड के शौकीन होते हैं लोग, ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, ऑयली चीजें रोज तल के खा रहे हैं, त्योहार आ गया तो 2-3 दिन तक लगातार हम लोग ऑयली चीजें खा रहे हैं, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। या फिर कई बार बंदा बहुत ज्यादा डाइटिंग भी कर रहा है लेकिन वो स्ट्रेस में रहता है बहुत, कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरा फलाना नहीं हुआ, मुझे रिजल्ट ठिकाना नहीं हुआ। तो स्ट्रेस भी आज के टाइम में जो स्ट्रेस है वो भी बहुत बड़ा एक रीजन है हमारे अंदर एसिडिटी कॉज करने का, डाइजेशन अच्छा नहीं होता। इन दैट केस एसिडिटी जब भी इतनी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, ऊपर ब्रोंकाइटिस तक या गले तक जो है एसिड आने लगता है, जिससे कि बहुत ज्यादा सीवियर बर्निंग, जिसे हर्ट बर्निंग कहते हैं। हर्ट के आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ आप देख रहे होंगे, हर्ट के आसपास का एरिया सारा जलने लगता है एसिड की वजह से। एंड बहुत बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं मिलता, बहुत परेशानी होने लगती है। इन दैट केस क्या करना चाहिए, आधा हम क्या करते हैं, नॉर्मली बेकिंग सोडा घर में पड़ा हो तो आधा स्पून या 1 स्पून बच्चे के एज के अकॉर्डिंग या बड़े के एज के अकॉर्डिंग हम बेकिंग सोडा लेते हैं और उसे कोल्ड वाटर में मिला के पी जाते हैं, क्योंकि इससे pH वैल्यू जो है वो बैलेंस हो जाती है। जो एसिडिक pH हमारे पता है आपको, स्टमक का pH जो है वो एसिडिक होता है। एंड उसमें जब एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी और pH वैल्यू ज्यादा एसिड की तरफ चली जाएगी तो हम उसे बैलेंस कैसे कर पाएंगे कोई एक बेसिक चीज डालने के बाद। एंड क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक होता है नेचर में, तो
तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है कुछ टाइम के लिए, उसको बैलेंस कर देता है। हाँ, यदि ज्यादा प्रॉब्लम है देन आपको मेडिसिन प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा, यदि रेगुलर रहती है ये प्रॉब्लम, अदरवाइज कभी कभी होती है तो हम बेकिंग सोडा से उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो देखा गया है कि वो टीथ को वाइटन करने के भी काम आता है। तो जो जितने भी येलो टीथ जैसे हो जाता है, फूड मटेरियल वगैरह फंसे रहने की वजह से, तो उनकी बॉन्डिंग हो जाती है टीथ के इनामल के साथ, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है। एंड एंटी बैक्टीरियल होता है ये, जो बैक्टीरिया वहां पनप रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, उन्हें किल कर देता है, माइक्रोब्स को, की ग्रोथ को खत्म कर देता है, जिससे टीथ जो है फिर वाइटन अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो ईचिंग ऑफ द स्किन में, सनबर्न में भी बहुत काम आता है। जैसे मान लो किसी को मधुमक्खी ने काट लिया और उसकी स्किन पर लाल लाल निशान हो गए काटने की वजह से, या किसी चींटी ने काट लिया एंट ने और उससे रेड रेड उसमें निशान हो गए स्किन पर, तो बहुत जलन होती है, इचिंग होती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड उसके अंदर स्टिंग जो है, उसका स्टिंग जो मॉस्किटो का या बीज का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, वो स्किन के अंदर चला जाता है, वो इरिटेशन करता है। अब उसे हम फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, एंड क्योंकि ये बेसिक है तो उसके ऊपर थोड़ा रगड़ देंगे हम, उसके अंदर डिप कर देंगे, उंगली पे है तो डिप कर सकते हैं, अदरवाइज डाल दीजिए उसे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। देन व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, तो एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और इरिटेशन को कम कर देगा। तो ये भी इसका एक बहुत यूजफुल इफेक्ट घर में हम देखते हैं, काम करते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब हम फ्रिज में हमने बहुत हम भूल गए रख के खाना, और हम भूल गए कि 2-4 दिन हो गए, और गर्मियां हैं, आजकल सर्दियों में तो चलो फिर भी टाइम काफी चल जाता है फूड, लेकिन यदि गर्मियों में हमने किसी फूड को बहुत देर तक रख दिया या सब्जी अनयूज रख दी, हमने उसे यूज नहीं किया, तो फ्रिज वगैरह में या जहाँ भी हम किचन में, जहाँ सिंक वगैरह के आसपास कहीं भी हम इसे रख रहे हैं, और बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, फूड की स्पॉइलेज शुरू हो जाती है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, तो बहुत स्मेलिंग हो जाती है वो चीज। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें भी, कि उस फ्रिज को पूरा क्लीन कर दीजिए, उस पार्ट को पूरा क्लीन कर दिया हमने, एंड देन सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा एक कप में डाल के, कटोरी में डाल के, या उसका सॉल्यूशन बनाकर हम फ्रिज में रख दें, तो वो सारी जो फाउल स्मेल होती है ये वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज को, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं भी आपको ऐसा ब्रेड ऑर्डर, यदि कहीं भी किसी भी जगह में, तो फ्रिज एग्जाम्पल लिए, आप कहीं भी लगे कि गार्बेज वाला जो हमारा कंटेनर है, कहीं भी हमें स्मेल ऐसी नजर आती है, तो वी कैन यूज दैट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बैड स्मेल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वहां पर भी। इसके अलावा हमने बहुत सारे यूजेस इसके देखे हैं कहाँ पर, कि एयर फ्रेशनर की तरह भी इसे स्प्रे पानी में डाल के स्प्रे कर दें, तो वही स्मेल अच्छी आने शुरू हो जाती है। किचन में सिंक वगैरह क्लीन करना हो, या जो भी नाली वगैरह है उसकी, उसे क्लीन करना हो, तो विनेगर के साथ मिक्स करके डाल देंगे, देन क्लीन हो जाएगा वो। स्टेन वगैरह रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में भी, कपड़ों के साथ भी थोड़ा सा डाला जाता है। फ्रूट्स वेजिटेबल, आजकल तो मालूम है ना कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से लाओ, पानी में डिप करो, अच्छे से वॉश करो, एंड थोड़ी देर के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में उसे डिप करके रख दो। सब चीजें जो वायरस बैक्टीरिया सब उसमें निकल जाएंगे, घुल जाएंगे, उसको धो के अच्छे से फिर वापस ड्राई कर लो। तो ये यहाँ इस टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो मार्केट से चीजें आ रही है उन्हें साफ करना। सिल्वर के ऑर्नामेंट जो काले हो जाते हैं उन्हें साफ करने में भी काम आता है ये। एंड इसके अलावा कहीं कहीं मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगी, लेकिन किडनी के डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी ये देखा गया है कि इसका यूज पाया गया, मिक्स करके कुछ चीजें इसको दिया जाता है। तो कितनी अमेजिंग वेराइटीज हैं, बेकिंग सोडा जो है वो हमारे कितने काम आने वाली चीजें हैं इसकी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बेकिंग सोडा एक या दो यूजेस ही नजर आते हैं, लेकिन यहाँ देखा तो भैया बेकिंग सोडा तो बहुत काम आने वाली चीज है। इसे तो जरूर आपको अच्छे से इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में आपको एक कंपैरिजन बताऊंगी बेकिंग सोडा
एंड बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? एक चीज हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा, जिसका मैंने आज एप्लीकेशंस बताई हैं, लेकिन एक हम कुकिंग में और भी चीज यूज करते हैं, दैट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि आप रिवीजन वगैरह अपने सिलेबस को, आई थिंक आपका सिलेबस सब कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन चल रहा होगा, तो रिवीजन को और एनहेंस करने के लिए और अच्छे से करने के लिए कि आपने कितना रिवीजन अच्छे से किया है, कितना रह गया है, वो उसको चेक कर सकते हैं आप अनअकैडमी की इस रिवीजन मैराथन के साथ, जो कि 9 से 12 क्लास के लिए है, सबके लिए है। 16 जनवरी से 20 जनवरी 5 दिन लगातार चलेगा ये मैराथन, और ये है स्केड्यूल इसका, 12 साइंस 12 कॉमर्स 12 ह्यूमैनिटी का। दिस वन इज फॉर द 9th एंड 10th क्लास, एंड ये है आगे आपका 11 साइंस और 11 कॉमर्स के लिए रिवीजन का बैच का स्केड्यूल। कैसे करना है, ऐप डाउनलोड कर लिया अनअकैडमी की, गोल सेलेक्ट करना है, वहां पर जो मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको गोल सेलेक्ट करना है रिवाइजन, एंड देन इनवाइट कोड। यदि आप पहली बार वहां पर ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर एक इनवाइट कोड की डिमांड होगी, और वो डालेंगे आप DSL क्लासेस, देन वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा एंड आप ज्वाइन कर पाएंगे। एनरोल करिए अपने आप को और इस मैराथन में हिस्सा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी जरूर करना है। आप बिल्कुल लाइक का नहीं, थम्स अप करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए एक टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।